Sportsradar.com विश्वास वही रफ्तार नहीं। हुस्न है सुहाना, इश्क है दीवाना, रूप का खजाना आज है लुटाना। आके दीवाने मुझे सीने से लगा, ना 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 गुरिया चुराना मेरा जिया, गुरिया चुराना मेरा जिया। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आई हैड नो आइडिया कि मैं क्या एक्सपेक्ट करूं, पर बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इट्स ट्रेंडिंग और जो सारे मैसेजेस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड मुझे मिल रहे हैं, दे आर वेरी एनकरेजिंग। तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये गाना तो मैंने पहले भी गाया था। तो फ्रेंकली इस गाने में जो मेकर्स थे, दे वर नॉट वॉन्टिंग टू चेंज द ओरिजिनल सिंगर्स। ये बाय द वे मेरे फिल्म करियर का ये पहला गाना था, तो ये बहुत दिल के करीब है क्योंकि इट वॉज द फर्स्ट सॉन्ग आई सैंग। तो एक्चुअली ये गाने की रिकॉर्डिंग जब हुई थी तो पूरी फिल्म बन चुकी थी, और लास्ट मिनट पे मेकर्स को लगा कि इस फिल्म में एक थोड़ा ज़्यादा कैची टाइप का एक गाना होना चाहिए। तो पूरी फिल्म बन चुकी थी और लास्ट मिनट ये गाना ऐड हुआ था। तो आई रिमेम्बर एट द सेम टाइम एक साइड पे ये गाना रिकॉर्ड हो रहा था और साइमल्टेनियसली गोविंदा और करिश्मा वर यू नो प्रैक्टिसिंग देयर डांस स्टेप्स। तो ऐसे इस टाइप के बहुत स्पेशल मेमोरीज है। ऑल्सो म्यूजिक डायरेक्टर्स आनंद मिलन से उस वक्त तक मैं मिली नहीं थी, तो उनसे मुलाकात हुई। फिर अभिजीत सिंगर जो हैं उनसे भी मेरी वहीं पे मुलाकात हुई। तो इट वॉज अ फर्स्ट इन मैनी वेज। टाइम पे स्ट्रगल ये था कि एवेन्यूज जैसे आजकल है वैसे उस टाइम पे एवेन्यूज नहीं थे, तो इट वॉज क्वाइट डिफिकल्ट कि आपको पहले मौका ही मिलना बहुत मुश्किल बात थी। क्योंकि आजकल के जैसे ना तो किसी सिंगर को तैयारी करने में आजकल जो आसानी होती है कि आपको बने बना बनाए ट्रैक मिल जाता है, आपको किसी भी गाने को सुनना है तो इट्स एट योर फिंगर टिप्स। आप सिर्फ बटन प्रेस करके कोई भी गाना इंस्टेंटली कभी भी सुबह दोपहर शाम में जो मर्जी आए वो सुन सकते हो। तो द एवेन्यूज ऑफ लर्निंग आजकल आर फिनोमिनल। तो मतलब खुद को डेवलप करने में जो आसानी आजकल है वो उस टाइम में बिल्कुल नहीं थी। प्रॉबेबली स्ट्रगल का जो एक एस्पेक्ट है वो मेरे ख्याल से हर जेनरेशन में है ही, तो वो आई डोंट थिंक वो एस्पेक्ट कहीं पे चेंज हुआ है। आई जस्ट फील कि द वेज ऑफ स्ट्रगलिंग माइट बी डिफरेंट। जैसे आजकल के जनरेशन को दे हैव टू डील अ लॉट मोर विद कॉम्पिटिशन, जो कि पहले मतलब पहले मौका ही मिलना बहुत बड़ी बात थी, आजकल वो मौका मिलना इतना मुश्किल शायद नहीं है, पर उसके बाद to create an identity ये बहुत मुश्किल है। Because इतनी ज़्यादा competition है और इतने mediums है कि आजकल not only Bollywood, लोग YouTube पे अपना music डालते हैं, at so many different platforms। तो I feel कि it's just really a different mindset। I think ये firstly मौका मिलना ये हमेशा ही मुश्किल है क्योंकि द स्टेक्स आर सो हाई। मतलब बॉलीवुड म्यूजिक इज सो लव्ड हमारे कंट्री में, तो इट्स नॉट ईजी। इट्स इसमें हमेशा से ही वो एस्पेक्ट्स रहे हैं कि लक, बहुत सी चीज़ें जो हमारे कंट्रोल के बाहर है वो चीज़ें हमेशा रही हैं और शायद हमेशा रहेंगी। सो वो ना तो उस वक्त इतना ना तो उस वक्त आसान था और ना तो आज आसान है। टिप्स इंडस्ट्रीज मतलब टिप्स म्यूजिक, उन्होंने एक कॉम्पिटिशन रखा था टू इंट्रोड्यूस न्यू सिंगर्स, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था और मेरे साथ काफी सारे जो 90s के सिंगर्स मतलब जो मेरे टाइम के थे काफी सारे सारों ने पार्टिसिपेट किया था। तो उसमें आई वॉज वेरी लकी कि सिर्फ मेरा सिलेक्शन हुआ।
मेरी फैमिली में किसी को कुछ मतलब वो कुछ भी बैकग्राउंड नहीं था, तो आई डिडंट नो कि कैसे मैं ये इवन करूँगी. तो एक्चुअली जो ट्रेनिंग हुई वो प्योर क्लासिकल में हुई, और मुझे जो मौके मिले मतलब सारे, मैंने उस टाइम के व्हेन आई वाज इन कॉलेज सारे इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स में मुझे प्राइजेस मिला करती थी, अवार्ड्स, और फिर मुझे नेशनल स्कॉलरशिप भी मिली. और फिर जब मैं म्यूजिक डायरेक्टर्स कल्याण जी आनंद जी से मिली, तब उनको लगा कि मेरी वॉइस जो है वो प्लेबैक सिंगिंग के लिए बहुत सूटेबल है. तो उन्होंने फिर मेरे पेरेंट्स को कन्विंस किया कि हम इसको सिखाएंगे और ग्रूम करेंगे, एंड वी फील दैट शी कैन बिकम अ प्लेबैक सिंगर. लाइट म्यूजिक में, प्लेबैक में तो मेन आई थिंक जो कि शायद ऑलमोस्ट एवरी सिंगर, एवरी फीमेल सिंगर, लता मंगेशकर, उनसे बड़ा तो कोई नाम है ही नहीं. आई थिंक जो सारे सिंगर्स हैं कहीं पे, वी आर ऑल जस्ट लर्निंग एंड फॉलोइंग कि ये गायकी ये क्या है, मतलब प्लेबैक सिंगिंग है क्या. तो वो एक दैट्स द मोस्ट अमेजिंग पीस ऑफ स्टडी. अगर किसी को भी प्लेबैक सीखना है तो उससे बड़ा स्कूल तो कोई है ही नहीं. करंट में मेरे फेवरेट है अरिजीत सिंह. तो एंड ऑफ कोर्स मतलब इन द गर्ल्स श्रेया घोषाल, ऑल ऑफ देम आर सो गुड. ये जस्ट एक मौका है कि खुद को आप लोगों के सामने लाते हो, यू गेट अ चांस टू प्रेजेंट योरसेल्फ. पर इसको बिगिनिंग एंड द एंड बिल्कुल नहीं समझना चाहिए. प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं.